हम लोगों को बिना मिले हुए उन पीड़ित बेटियों से जो खिड़की से हम लोगों को हाथ हिला रही थी, इशारा कर रही थी, इशारा कर रही थी, इशारा ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी कि आप लोग बोलेंगे और हम लोग अगर बोलेंगे तो जान से मार दिए जाएंगे। अब पता नहीं कितने को ये लोग मार के पचा भी दी होगी, कौन उसको देखता है। वंदना गुप्ता काफी ही कुरवेल लेडी है जिसके दिल में कोई जगह नहीं है। हम लोग अपनी बेटियों से जो उन दरिंदों की शिकार हो रही है, पीड़ित बेटियों से मिलने के लिए गए थे और ये जानकारी लेने के लिए गए थे कि वहाँ पर जो वंदना गुप्ता है उन बेटियों के साथ जो जयदाती कर रही है, एक माँ हो भी है, एक औरत भी है, और इसके बावजूद भी उसके दिल में दर्द नहीं है। इसके लिए हमारी कमेटी गई थी पार्टी की ओर से, लेकिन हम लोगों को कोई परमिशन नहीं मिला, अंदर जाने नहीं थी। हमें तो ये भी अगल बगल से पता चला कि रात में गाड़ियाँ लगती है और लड़की को बेहोश करके, सुई दे करके, दवाई दे करके जो है बाहर भेजा जाता है, इंजेक्शन दे दे के लड़कियों का दुरुपयोग करती है। और पता नहीं कितने लोग, आपको वह भी शेल्टर होम की बात याद होगी जो लड़की पहचानती थी, बड़े मूछ वाले और मने तूंद वाले, आज भी पकड़ से बाहर है। ब्रजेश ठाकुर को जेल हुआ लेकिन बाकी लोग आज भी पकड़ से बाहर है। आवाज़ उवाज दिए तो उधर से कुछ लड़की जंगला से देख रही थी, देख करके इशारा पे कर रही थी, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ हिम्मत आई है हम लोगों को देख करके। उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारे पक्ष के, हमारे लिए लड़ने के लिए कोई आया है, हमारी माँ बहन, हमारी दीदी माँ सब आई है लड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड आज देश और बिहार भूला नहीं कि एक बार फिर से पटना गाय घाट से कुछ इस तरह के मामले जो है वो प्रकाश में आई। एक लड़की जो है वहाँ से निकलती है और एक के बाद एक कई गंभीर आरोप जो है वहाँ के जो वंदना गुप्ता है जो सब चीज़ देखती हैं उस पर लगाती है। अब उसको लेकर मामला जो है वो तूल पकड़ लिया है और इस पूरे मामले में राजद के एक कमेटी जो है, महिला कमेटी जो है, शेल्टर होम में गई थी, क्या कुछ बातें हुई, तमाम जो लोग हैं महिला कमांडो लोग हैं तेजस्वी यादव के वो लोग यहीं पर हैं, जब वहाँ आप लोग गई क्या कुछ वहाँ हुआ? देखिए हम लोग जो गए थे, हम लोग अपनी बेटियों से जो उन दरिंदों की शिकार हो रही है, पीड़ित बेटियों से मिलने के लिए गए थे और ये जानकारी लेने के लिए गए थे कि वहाँ पर जो वंदना गुप्ता है उन बेटियों के साथ जो जयदाती कर रही है, एक माँ हो भी है, एक औरत भी है, और इसके बावजूद भी उसके दिल में दर्द नहीं है। इसके लिए हमारी कमेटी गई थी पार्टी की ओर से, लेकिन हम लोगों को कोई परमिशन नहीं मिला, अंदर जाने नहीं थी। वो मैंने पूरे मामले को लिपापोती करना चाहती है, पूरे मामले को दबाना चाहती है। चूँकि हम लोग, हमारे आदरणीय नेता, याद होगी आपको जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में घटना घटी थी 34 लड़कियों के साथ, तो उस समय भी हमारे आदरणीय नेता बिहार से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर उन लड़कियों के लिए धरना, न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम किए थे। आदरणीय हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक हमेशा जो है जन सरोकार के सवाल पर आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों को भी भेजा गया था पार्टी की ओर से, जिसमें मैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और मेरे नेतृत्व में जो है 5 सदस्यीय कमेटी गई थी, जिसमें प्रतिमा सिंह थी, बुसरा शाहीन थी, शकुंतला प्रजापति थी, काजल कुमारी थी, ये सारे लोग गए हुए थे। लेकिन हम लोगों को बिना मिले हुए उन पीड़ित बेटियों से जो खिड़की से हम लोगों को हाथ हिला रही थी, इशारा कर रही थी कि आप लोग बोलेंगे और हम लोग अगर बोलेंगे तो जान से मार दिए जाएंगे। अब पता नहीं कितने को ये लोग मार के पचा भी दी होगी, कौन उसको देखता है। वंदना गुप्ता काफ़ी ही कुरवेल लेडी है जिसके दिल में कोई जगह नहीं है। हमें तो ये भी अगल बगल से पता चला कि रात में गाड़ियाँ लगती है और लड़की को बेहोश करके, सुई दे करके, दवाई दे करके जो है बाहर भेजा जाता है, इंजेक्शन दे दे के लड़कियों का दुरुपयोग करती है। और पता नहीं कितने लोग, आपको वह भी शेल्टर होम की बात याद होगी जो लड़की पहचानती थी, बड़े मूछ वाले और मने तूंद वाले, आज भी पकड़ से बाहर है। ब्रजेश ठाकुर को जेल हुआ लेकिन बाकी लोग आज भी पकड़ से बाहर है, जांच कर रहे हैं, एसपी को तबादला कर दिया। नीतीश जी बोलते हैं ना तो हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो लड़की को तो बचा नहीं पाए, जो उसका उपयोग करता है उसको जो है फंसा नहीं रहे हैं। तो इस तरह से जो है सरकार और वो शेल्टर होम की जो डायरेक्टर, ये जो सुपरिटेंडेंट है सी, ये वंदना गुप्ता, ये इन लोगों की मिली भगत से हमें लगता है कि इस पूरे मामले को लिपापोती करना चाहती है। लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मंडे न्यायालय के देख रेख में ही ब्रजेश ठाकुर को जेल हुआ था, ये लोग तो जाँच कर रहे, एस पी का तबादला करा दिए थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय जब वहाँ पहुँचे हैं जज साहब, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगी और हम लोग जो है इसके लिए
चुप नहीं बैठे। हम लोग वहाँ पहुँची, क्या दृश्य देखने को मिला वहाँ? दृश्य देखने को मिला, हम लोगों तो पहले अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया, हमारी अध्यक्ष जी ने बात किया कि हमें अंदर दिया जाए, हम लोग लेटर लेकर के आए हैं, लेकिन इनका भी बात का नहीं किया गया। जब इन्होंने डीएम साहब को कॉल किया तो डीएम साहब कॉल भी नहीं उठाए, और हाँ समाज कल्याण विभाग को भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने कॉल किया तो वो भी नहीं उठाए कॉल। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा अपना ताकत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि हम आज अभी बिहार के सबसे बड़े इसमें पार्टी में से आते हैं, तो हम लोगों ने बात की, हम लोग थोड़ा सा आवाज़ दिए तो उधर से कुछ लड़की जंगला से देख रही थी, देख करके इशारा पे कर रही थी, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ हिम्मत आई है हम लोगों को देख करके, उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारे पक्ष के हमारे लिए लड़ने के लिए कोई आया है, हमारी माँ बहन हमारी दीदी माँ सब आई है लड़ने के लिए। जैसे वो लोग इशारा कर रही थी फिर कुछ लोग आई उधर से, कुछ महिला आई और फटाफट जंगला को बंद कर दी। तेजस्वी यादव से मुलाकात की रिपोर्ट को लेकर क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यही बोला कि इस कार्य को यहीं पर नहीं रोकना है, इसको बहुत आगे तक लेके चलना है, हम लोग भी अपने अंदर से हम लोग जांच कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कीजिए, और अगर ये बात होगा तो सड़क से सदन तक ये बात जाएगी। बिल्कुल, ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है राजद की तरफ से शेल्टर होम गायघाट गई थी, मुलाकात नहीं करने दिया गया। जैसा कि आपने सुना कि लड़कियां जंगले से खिड़कियां से झांक रही थी और इशारा कर रही थी कि हम लोगों को मार दिया जाएगा अगर आप लोग कुछ ऐसा करेंगी, हालांकि हिम्मत जरूर उन्हें, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोगों को देखकर उन्हें हिम्मत जरूर मिल रहा था। इसको हम इतना ही देखते रहें, नमस्कार।